अपना क्या आज क्लास 4 है, तो क्लास 4 में क्या सीखेंगे अपन, जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 है, 3 टाइप्स है। अभी लास्ट टाइम क्लास में देखे थे तो इसमें अनंत होता था, इन्फिनिट होता, लेकिन इस टाइम तो नहीं दिया हुआ है बूढ़ा का। इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब क्या होगा, जैसे कि कोई भी संख्या है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करते हैं जी, जैसे दिया हुआ है तो इस टाइप के क्वेश्चन पे क्या करेंगे अपने को, जैसे जितने टाइम से अब 5 दिया हुआ है उसको इंटू कर देंगे, 3 × 2 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और इसके अपॉन -1 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो 8 में 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 ही जाएगा, 2 × 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर अपना ये हो जाएगा ना जी, 7/8 हो जाएगा, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, ये देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसका आंसर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, लेकिन एक बार करके देख लेते हैं ना अपन, 2 × 2 × 2 × 2 अब -1, और फिर नीचे में क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा, 16, 16 - 1 कितना हो जाएगा जी, 6, 16 - 1 15 ही हो जाएगा जी, 15, और नीचे में 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, तो 15/16 हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा जी। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 के लिए दिया हुआ है, तो 7 के लिए कैसे होगा, 7 के लिए दिया है तो फिर कैसे होगा जी, इसमें भी होगा वही सेम, 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 4 टाइम्स दिया है ना, 1, 2, 3, 4, और -1, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो 16 ही हो जाएगा जी, तो 16 में 1 माइनस होगा तो 15, तो ये 15 हो गया, और नीचे में देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 18, 8 × 2 = 2 × 4 = 14, 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो 15/16 हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं यहाँ पे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स दिया हुआ, तब इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, और क्या हो जाएगा, -1, और क्या है, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम हो गया 2, तो 2 × 2 इसमें एक टाइम 4 टाइम्स हुआ ना, तो 5 टाइम्स है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, 2 × 2 = 4, 2 × 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 8, 16 × 2 = 32, 32 - 1 तो 31 हो जाएगा, तो 11, 31 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, 32 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 32 नहीं हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके को एक क्वेश्चन दिया रहे, मान लीजिए 5th क्वेश्चन हो जाएगा ना, अंडर रूट 15 दिया हुआ है और प्लस अंडर रूट 98 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट 72 दिया हुआ है, तब ऐसे में कैसे करेंगे, अगर शॉर्ट देखा जाए तो, अगर शॉर्ट में देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 15 कैसे लिख सकते हैं अपन, पहले तो इसको समझना है, तो 15 कैसे आ जाएगा, 5 × 5 × 2, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 15, 15 हो गया ना जी, और यहाँ देखेंगे 98 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 98 7 × 7 × 2 कर सकते हैं ना, 7 × 7 × 2 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, 36 में 2 × 2 × 2, 3 × 3 हो जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स
थ्री है, टू टाइम टू है, तो इसमें फाइव बाहर हो जाएगा, फिर इसमें टू बच जाएगा, इसमें सेवन अंडर रूट टू आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसमें सिक्स आ जाएगा, टू इंटू थ्री, तो फिर इसमें अंदर में क्या बच जाएगा, टू बच जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें सब मेड नहीं हो जाएगा, टू टू अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू है, तो फाइव प्लस ट्वेल्व, और ट्वेल्व और यहाँ पे टू इंटू थ्री है तो सिक्स हो जाएगा। पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, टू सेवन अंडर रूट टू प्लस सिक्स अंडर रूट टू, फिर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस सेवन कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन हो जाएगा, एटीन अंडर रूट ट्वेल्व, एटीन अंडर रूट टू हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 108 माइनस अंडर रूट 147 हो जाएगा। तब इसमें कैसे करेंगे, अब 75 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू टू लिख सकते हैं क्या जी, देखिए 75 कैसे आएगा, तो 75 अपना 5 टाइम 5 में अगर करते हैं तो कितना होगा, 1 टाइम हो जाएगा, और इसमें 2 बच जाएगा तो 5 टाइम हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें थ्री टाइम्स चल देगा, तो इसको लिख सकते हैं फाइव इंटू थ्री, तीन बार कर सकते हैं ना, 108। अब 108 कैसे कर सकते हैं जी, 108 दिया हुआ है, ये अपना आंसर है ना, ये अलग है, 108 है, तो इसको टू में डिवाइड हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, फिर टू में डिवाइड हो जाएगा, टू टाइम्स ए सेवन हो जाएगा, फिर ये क्या थ्री से नहीं जाएगा जी कंटिन्यू, तो नाइन हो जाएगा, फिर ये थ्री से जाएगा तो थ्री आ जाएगा, फिर थ्री तो टू टाइम्स टू और थ्री टाइम्स थ्री हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, और माइनस में क्या है अपने पास, 147 है ना, 147 कैसे जाएगा जी, देखो सेवन से नहीं जाएगा, सेवन एकम सेवन, सेवन इंटू टू, टू टाइम्स हो गया, और वन टाइम्स हो गया, फिर ए सेवन में जाएगा, सेवन थ्री टाइम्स से चले जाएगा, और पान थ्री हो जाएगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते जी, सेवन इंटू थ्री, तब क्या हो जाएगा, फाइव इंटू थ्री, तो फाइव क्या हो जाएगा, करने से बाहर हो जाएगा, तो वन टाइम अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, टू टू टाइम्स है, थ्री टू टाइम्स है, तो प्लस में टू इंटू थ्री हो जाएगा, अंडर रूट थ्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेवन इंटू थ्री है तो सेवन हो जाएगा, और ये अंडर रूट थ्री हो जाएगा, फाइव और टू कितना हो जाएगा जी, सेवन हो जाएगा, और सेवन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सेवन अंडर रूट थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बचेगा क्या जी, दोनों तो सेम हो गया ना हमारा, तो जीरो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।